सो ये गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज मैं यहाँ पे नेक बैंड है जो कि नॉर्मल अगर आप यूज़ नेक कर रहे हैं चाहे HSBS हो या फिर B11 हो, एक्चुअली ये B11 सीरीज़ की है। सो इसकी कनेक्टिविटी इशू मैं आज यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसके कनेक्टिविटी एक्सेट्रा को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोन के ब्लूटूथ के साथ इसको प्रॉपरली कनेक्ट करना है। तो उसको जान लेते हैं कि इसको आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं ब्लूटूथ में। तो नॉर्मल सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में ब्लूटूथ में सर्च करके फाइंड आउट कर लेना है। इसके बाद अगर ये मिल जाती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो एक आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो कि मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ। देखिए, आपके फ़ोन में इस तरह से बहुत से कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे, उनमें से क्या करना है कि जो भी आपके अनवांटेड है ना, सबको यहाँ से फॉरगेट कर देना है। इवन अगर ये भी वॉच, जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ म्यूजिक यहाँ पे है मेरी, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको एक बार यहाँ से फॉरगेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉरगेट कर देने से क्या होगा कि अब दोबारा जो है इसको एक बार यहाँ से आप शट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं जो है इसे पावर ऑफ करने वाला हूँ, अभी लाइटिंग जो ब्लिंक हो रही है अभी देखिए टोटली ऑफ हो चुकी है। दोबारा से इसे यहाँ से हम यहाँ पे टर्न ऑन कर लेते हैं एंड जो है ब्लूटूथ को मैं ऑफ करके दोबारा यहाँ से सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद जो है ये नेम दोबारा यहाँ पे आएगी, ब्लूटूथ म्यूजिक, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है एंड देखिए हमारी जो है कनेक्टेड हो चुकी है। कनेक्ट हुई है नहीं, इसको कन्फर्मेशन मैं अभी दे देता हूँ। इसके लिए मैं कोई भी एक म्यूजिक प्लेयर को ऑन करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं बीच में प्ले बटन प्रेस करता हूँ एंड देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी म्यूजिक प्ले हो चुकी है। यहाँ से मैं जो है बैकवर्ड करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ एंड देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीजिंग जो है यहाँ से मैं कर रहा हूँ, वॉल्यूम जो है डिक्रीज भी यहीं से कर सकता हूँ। ये सब सारे जो है प्रॉपरली फंक्शंस कर रहे हैं, तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है कि आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसको फुल्ली चार्ज कीजिए। चार्ज करने के बाद जो नॉर्मल अगर आपके इसमें चार्ज है तो उसको पूरा ख़त्म हो जाने दीजिए। ख़त्म हो जाने के बाद जो है दोबारा से इसको चार्ज कीजिए एंड देन इसको कनेक्ट कीजिए। ये जो आपकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सेकेंडली आप कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन चेंज कीजिए। अगर आप दूसरा कोई डिवाइस एक्सेट्रा यूज़ कर रहे हैं उसमें उसको कनेक्ट करने का अगर प्रोसेस करते हैं तो दिन ही आपके लिए बेटर होगा। हो सकता है कि डिवाइस में कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो, तो एक बार जो है आप इसको किसी दूसरे, मतलब लाइक कि आप इसमें यूज़ कर रहे हैं तो इसके संग मत यूज़ कीजिए, किसी सेकेंडरी डिवाइस के संग यूज़ कीजिए, देन इसमें यूज़ कीजिए। आपकी प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। एंड इसके अलावा जो सेकंड प्रोसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसको यहाँ पे शट डाउन कर लेना है। शट डाउन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे दोबारा इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। इस तरह के आपको जो है लाइटिंग ब्लिंकिंग होने लगेगी, ठीक है। चाहे ये किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो या फिर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट आपको ऑन कर लेना है। देखिए यहाँ पर लाइटिंग जो है अभी यहाँ पर ब्लिंकिंग चल रही है, जस्ट अ मिनट, तो अभी मैं देखिए तो जल रही है ना। तो अब क्या करना है कि आपको वॉल्यूम के जो दो बटन्स है, प्लस बटन माइनस बटन, दोनों को जो है कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे आपको प्रेस करके रखना है। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे फिर से दिखा दूँ। दोनों को जो है कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे आपको प्रेस करके रखना है अनटिल की जो ये लाइट की जो यहाँ पे ब्लिंकिंग अभी चल रही है ना, ये ब्लिंकिंग जब तक कि टोटली ऑफ ना हो जाए। जैसे ही ऑफ होगी दैट मीन आपका जो है नेक बैंड जो है वो रीसेट हो चुका है। देखिए यहाँ पे जब जो है ब्लिंक होना बंद हो जाएगी तब आपको जो है इसको आपको रिलीज करना है। 4 to 5 सेकेंड, हार्डली जो है 15 सेकंड तक जा सकती है किसी भी रीसेट करने में, 15 सेकंड तक, उससे ज़्यादा नहीं। अब जो है टोटली रीसेट हो चुकी है, अब दोबारा से नॉर्मली इसको आपको यहाँ पे प्रेस करके ऑन कर लेना है एंड ऑन करने के बाद जो है नॉर्मल आप जिस तरह से कनेक्ट करने का जो प्रोसेस मैंने शेयर किया है उससे आपको कनेक्ट कीजिए, आपकी नेक बैंड डेफिनेटली कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो।